दिल्ली NCR में सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू करना बहुत हिम्मत का काम है और बड़ा आंसू की हिम्मत के लिए ही कुख्यात है। तो हम लोगों ने इस बार जिस नए फ्रेम में पूरे प्रोग्राम को तय किया है उसमें यह था कि जो हम लोग हर बार करते हैं कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है, सिर्फ नकारात्मक भड़ास से काम नहीं चलता है। तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि कुछ सीखें भी, सिखाएं भी। अपने बीच के ही लोग होते हैं और बड़ा अच्छा लगेगा कि दिल्ली वाले भले टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, बस्तर से एक ऐसे शानदार किसान हमारे बीच में हैं, राजाराम तिवारी जी, राजाराम त्रिपाठी जी, और बिल्कुल टाइम से आ गए। तो इनसे हम लोग सीखेंगे इस बार कि कैसे हम लोग अपने खेतों के जरिए, जिसको आमतौर पर घाटे का सौदा माना जाता है, उससे लाभ कमा सकते हैं। और हमारे बीच डॉक्टर अजय अग्रवाल जी भी आ गए हैं, जो नोएडा के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, और बहुत सारे साथी बाहर से आए हुए हैं, बरेली से लेके देहरादून, महाराष्ट्र। जो बाहर खड़े साथी हैं उनसे अनुरोध है कि अगर चाय पी चुके हों तो वो लोग आएँ हाल में, और हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करने के लिए हम लोग जो है इस प्रोग्राम का जो सबसे लास्ट में जो तलाश ख़त्म हुई, वो ख़त्म हुई जो है कि किसे संचालक बनाया जाए, किसे प्रोग्राम की एंकरिंग दी जाए। तो इसमें भी हम लोगों ने एक प्रयोग किया, इनोवेशन किया कि नहीं, वो जो जमे जमाए लोग हैं जो घोषित रूप से संचालक हैं, उनकी बजाय हम लोगों को उन नए मेधा पे भरोसा करना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए, जो इन दिनों के दौर में पढ़े लिखों, जिनकी संख्या बहुत कम है आमतौर पर। अब सब जो है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के लोग हैं और सब जो है खटाखट मैसेज, छोटे छोटे ट्विटर पर ही चलता है काम। तो ऐसे दौर में कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं नौजवानों में जो पढ़ते लिखते हैं और साथ में उस ज्ञान को बांटते भी हैं। नितिन ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, युवा पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित राइटर हैं और आज तक न्यूज़ चैनल आज तक समूह में काम करते हैं। उनको संचालन की जिम्मेदारी दी गई है और मैं इस बार, चूँकि पिछली बार जो है संचालन पूरा मैं कर रहा था, तो उसमें तमाम दिक्कतें भी आईं कि मतलब तमाम लोग बाहर से आए थे, मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। तो इस बार मैं नितिन जी के हवाले मंच करने के बाद अब तभी आऊँगा जब अवार्ड सेरेमनी शुरू होगा, तो उस समय मैं मंच पे आऊँगा। बाकी सारा कुछ अब कमान नितिन भाई के हाथों में है और नितिन भाई बहुत शानदार ब्लॉगर हैं और इनसे मुलाकात तो मेरी बहुत कम है, लेकिन इनके हजारों लाखों फॉलोअर्स में से मैं भी एक हूँ। तो नितिन को इस बहाने हम लोग सुनेंगे भी, और एक बार फिर अपील करता हूँ कि जो बाहर साथी हों वो लोग प्लीज़ चाय पी चुके हों तो आएँ और सीट लें। हरपाल भाटिया जी, आप सब साथी जो है प्लीज़ खड़े न रहें, सीट लें। और नितिन ठाकुर जी को मैं चाहूँगा कि वो आएँ और कम लोगों के बीच से ही एक बड़ी शुरुआत करें। शुक्रिया यशवंत भाई, आप सभी का स्वागत है। 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी और चूंकि हम ही लोग संख्या में कम हैं तो 10:15 बज गए हैं, फिर भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्योंकि समय कम होगा, वक्ता ज़्यादा होंगे, कोशिश होगी कि समय का सदुपयोग हो। ज़्यादा समय न लेते हुए, बस्तर से हमारे बीच आए राजाराम त्रिपाठी जी, जो भारत के चर्चित प्रगतिशील किसान के रूप में विख्यात हैं, उन्हें मंच पर मैं बुलाऊंगा। लेकिन उससे पहले उनका जो परिचय है, जो बेहद अहम है, विस्तृत है, वो ज़रूर देना चाहूँगा ताकि वो जो कह रहे हैं वो कितना अहम है वो हम सब समझें। राजाराम जी को हरित योद्धा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजाराम जी भारतीय कृषि की बनी बनाई लीक तोड़ रहे हैं। वैज्ञानिक तत्व निहित खेती को उन्होंने परिभाषित किया, कई दशकों से काम कर रहे हैं, विलुप्त होती जड़ी बूटियों को संरक्षित तो उन्होंने किया ही है, साथ में इथिनो मेडिको गार्डन के रूप में हर्बल फॉरेस्ट विकसित किया है। मैं एक एक चीज उनके बारे में बारीकी से इसलिए पढ़ना चाहता हूं ताकि कुछ छूट ना जाए। उनका जो काम है वो बहुत अहम है। किसानों की बात सब करते हैं लेकिन किसान के रूप में जो उन्होंने जीवन जिया है, जो उनकी उपलब्धि है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। राजाराम जी दुर्लभ वनौषधियों को संरक्षित करते हैं,
छत्तीसगढ़ के बेहद पिछड़े और अति संवेदनशील बस्तर जिले से आते हैं, वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। तीन विषयों में एमए, एलएलबी, फिर पीएचडी की और अब बस्तर के 400 से ज्यादा आदिवासी परिवार उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, हर्बल फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और अपनी आजीविका कमा रहे हैं। सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से 50,000 से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स राजाराम जी के अभियान से कदम ताल कर रहे हैं। मां दंतेश्वरी हर्बल समूह देश का ऐसा पहला ऑर्गेनिक सर्टिफाइड उत्पाद बनाने वाला समूह बना है, जिसे साल 2000 में मान्यता मिली थी और आज भी सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। उनके उत्पाद अमेरिका समेत कई देशों में एक्सपोर्ट होते हैं और इसीलिए उन्हें बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड से भी नवाजा गया है। हाल ही में भारत सरकार के सबसे बड़े कृषि क्षेत्र के संगठन ICAR ने उनके साथ करार किया और स्टीविया एक्सटर्शन प्लांट लगाने का करार हुआ है। त्रिपाठी जी कड़वाहट रहित स्टीविया से शक्कर बनाने के लिए कारखाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है उनका प्रयास सफल होगा। इसके अलावा डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को कई बड़े पुरस्कार मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं, एक है उनमें ग्रीन वॉरियर अवार्ड। और अभी हाल ही में 45 किसान संगठनों ने मिलकर एक गैर राजनीतिक महासंघ बनाया है, जिसका नाम है अखिल भारतीय किसान महासंघ। राजाराम जी को उसका राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है, उम्मीद है उनके मार्गदर्शन में यह महासंघ बहुत अच्छे से काम करेगा। राजाराम जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए। आप लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, अब मंच उनके हवाले और हम उनसे सुनेंगे हर्बल फार्मिंग कैसे करें, कैसे वो हिट हो, कैसे वो आजीविका का एक बड़ा साधन बने। डॉक्टर राजाराम जी, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यशवंत भाई को एक मिनट के लिए मंच पे बुलाना चाहूँगा, क्योंकि जो गमछा मेरे गले में आप देख रहे हैं वास्तव में किसानों का असली आभूषण है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इन्होंने गमछे से मेरा स्वागत किया। और मैं चाहता हूँ बस्तर में जो सिल्क होता है कोसा, वहाँ बस्तर में बना हुआ इसलिए महत्वपूर्ण है कि सिल्क जैसे पैदा तो बस्तर में होता है लेकिन बनता चांपा या रायगढ़ में है, कलकत्ता में, भागलपुर में। और जैसे जैसे सिल्क की बस्तर से दूरी बढ़ती है वैसे सिल्क की मात्रा कम होती जाती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बस्तर के सिल्क से इनका स्वागत करूँ। दोस्तों, आधे घंटे में खेती क्या सीखेंगे हम? वास्तव में प्रशिक्षण शब्द जरूर यशवंत भाई ने लिखा है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पीएचडी पास ढेर सारे डॉक्टरों के सामने एक मिडिल स्कूल के बच्चे को या प्राइमरी को खड़ा कर दो, वही हाल मेरा है कि मीडिया के लोग जो सबसे ज़्यादा जागरूक होते हैं और हर क्षेत्र के बारे में उनकी जानकारी दूसरों से ज़्यादा होती है, उनको मैं कुछ बोल पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर ये होगा कि एक किसान की यात्रा को समझें जो धारा के विपरीत तैर के सफल हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँगा, वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा समाचीन होगा। मैं कैसे खेती में आया और सफलता जो मुझे मिली इसमें, इस मार्ग में कौन कौन से पुल और कौन कौन सी खंदकें आईं। जैसा बताया कि झीरम कांड से आप सारे मीडिया के लोग सारे जानते हैं, जहां विद्याचरण शुक्ला जी वगैरह के जिसमें गोली से मारे गए थे। झीरम कांड जहां हुआ उसी के बगल के प्राइमरी और मिडिल स्कूल दरभा ब्लॉक में बस्तर में मैं पढ़ा। जिस जगह कांड हुआ वहां हम लकड़ियां बिनने जाते थे। मैं बस्तर के ककनार गांव में पैदा हुआ।
22 किलोमीटर दूर जगदलपुर साइकिल से जाके हम कॉलेज पढ़े, 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर आना और 5-10 किलोमीटर जो घूमना। इस तरह से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। किसानी पहले से थी, मेरे दादाजी धान की खेती करते थे और गांव के हिसाब से हम ठीक ठाक बड़े किसान कहलाते थे, 10-12 लोग काम करते थे। जब मैं बैंक ऑफिसर बना स्टेट बैंक का, तब एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश किया। हम बड़े किसान गांव के थे, 10-12 लोग काम करते थे, एक ट्रैक्टर लिया था हमने। जब ट्रैक्टर की किस्त पटाने की बात आती थी तो घर में बड़ी कचकच मचती थी। जब तक पिताजी, मेरे जो टीचर थे, वो जीपीएफ से पैसा नहीं निकालते थे, तब तक शायद हम कभी भी टैक्स किस्त और ब्याज नहीं पटा पाए। तो मैं सोचता था कि क्या कारण है कि हमारे जैसा बड़ा किसान भी ट्रैक्टर की किस्त नहीं निकाल पाता। जो 3 विषय में मैंने किया, तो एक अर्थशास्त्र में किया, अर्थशास्त्र में मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। जब मैं बैंक में गया तो मेरी छवि एक अच्छे कर्मठ अधिकारी की बनाना चाहता था और मैंने कहा मुझे जो सबसे कठिन काम है वो दीजिए, और मुझे वसूली का काम दिया गया। एक लिस्ट दी गई डिफाल्टर किसानों की, मैं बस्तर में पदस्थ हुआ और यकीन मानिए उस लिस्ट में 90% डिफाल्टर ट्रैक्टर के थे। ट्रैक्टर का लोन देने के पहले उसका प्रोजेक्ट बनता है, मैंने उस प्रोजेक्ट का अध्ययन किया, किसानों से रूबरू मिला, खुद का भी अनुभव था। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं पटाते आप? उन्होंने कहा कि वास्तव में केवल सरपंच ही पटा सकता है, क्योंकि वो ट्रैक्टर अगर जो काम ग्राम पंचायत के हों उसको मिले मिट्टी वाला, अदरवाइज ट्रैक्टर से कोई नहीं पटा सकता। मैंने अध्ययन किया, हर प्रोजेक्ट में लिखा रहता है 1200 घंटे ट्रैक्टर चलेगा, तो मुझे लगा कि वास्तव में ट्रैक्टर की तो इस देश में जरूरत है ही नहीं। 5 एकड़ से 10 एकड़ के 80% किसान हैं। और जब मैंने इकोनॉमिक्स बनाया, आप जान के आश्चर्य हो जाएंगे कि जितनी भी खेती है धान के समेत, अगर उस खेती में किसान अपनी मजदूरी को शामिल करे और जमीन को एसेट के रूप में क्लासिफाइड करे या जमीन का रेंट जोड़ दे, या माँ बाप बाप दादा की अगर जमीन है तो उसको इन्वेस्टमेंट मिले, तो सारी की सारी खेती घाटे का सौदा है। रंजना कुमार सीनियर आईएएस थी उस समय नाबार्ड की चेयरमैन, मैंने उनको एक पत्र लिखा कि मैडम जितनी भी खेती हमारे देश में हो रही है सब घाटे का सौदा है, और मैंने आंकड़े भेजे। उन्होंने मुझे बुलाया, गौर से सुना, सारे ईडी लोगों को बुलाया पूरे भारत के, और बोले ये शख्स कुछ बता रहा है, गौर से सुनो। मैंने बताया कि देखिए जितनी भी खेती है अगर वास्तव में इसका हम इकोनॉमिक सही बनाएं तो किसान के पास कुछ नहीं जा रहा है, और बैंक में मुझे ये बताया गया है कि जब डेबिट होता है कहीं पे तो कहीं क्रेडिट होता है, अगर पूरे किसान घाटा उठा रहे हैं तो किसी का फायदा भी जरूर हो रहा होगा इससे। लोगों ने मेरी बात को माना, सराहा, और उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी समस्या उठाना तो बड़ा सरल है, हम आपकी बात से सहमत भी हो गए, लेकिन इसका हल क्या है? वो एक टर्निंग पॉइंट आया और मैंने नौकरी छोड़ी। भरी सभा में बॉम्बे में नाबार्ड के उन्होंने मुझे चैलेंज दिया और मैंने सोचा कि मैं एक फायदे की खेती ढूंढूंगा। फायदे की खेती के लिए जब गया ढूंढने, तो यकीन मानिए साग सब्जी से चालू किया मैंने, 5-स्टार होटलों से टाई अप किया कि बस्तर से मैं साग सब्जी भेजूंगा, हवाई जहाज वालों से कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरी तरह से फेल हुआ। हर्बल की खेती मैं उसके बाद शुरू किया, उसमें शुरुआती दौर में मुझे बड़ी परेशानियाँ आई, मेरी ज़मीन नीलाम होने की स्थिति में आई। ये जो हर्बल का जो बाज़ार है, इनमें जो 50-100 सालों से जो जड़ी बूटियाँ खरीदते हैं, ये लोग लूट का माल खरीदते रहे हैं, जंगल से जो नोचा जाता था जड़ी बूटी वही खरीदते रहे हैं, और कोई किसान अगर खेती करे और खेती की लागत उनसे मांगे तो देने की न मानसिकता है न परंपरा है। उगाने के पहले तो सब कोई कहते थे हाँ हाँ बिक जाएगा, लेकिन जब बेचने जाओ उगा के तो कोई ग्राहक नहीं मिलता। तब मैंने पहली बार एडवांस मार्केटिंग टाई अप की अवधारणा लाई,
मैं जड़ी बूटी के बाजार में गया और मैंने कहा कि आज क्या रेट चल रहा है, सफ़ेद मूसली से चालू किया क्योंकि सबसे ज़्यादा घाटा उसी में उठाया था। 1100 रुपया अगर रेट चल रहा है, मैंने कहा साहब आपको 1000 में मैं दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा, 1 साल बाद दूंगा। उनको भी लगा 10 साल का अनुभव कि 1000 रुपया में तो नहीं मिलेगा, अगले साल तो 1300 बिकेगा, ये 1000 में दे रहा है। मैंने कहा एग्रीमेंट करें, और पक्का एग्रीमेंट चाहिए मुझे। मैंने एग्रीमेंट किया और वहां से शुरुआत हुई सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन की। मैंने देखा कि जड़ी बूटी का जो मार्केट ग्रे मार्केट है, जहां लुटेरे बैठे हुए हैं, इसको कैसे इलिमिनेट करें, क्या चीज इनमें है जो ये बिचौले नहीं हटते। धान गेहूं वगैरह तो बड़ा सेक्टर है, मैं नहीं दूर कर पाया, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मुझे थोड़ा पानी कोई देंगे। तो मैंने एक चीज देखी कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनको चाहिए होता है कि बल्क क्वांटिटी, रेगुलर सप्लाई और होमोजिनस क्वालिटी, एक तरह का माल। अगर महर्षि है तो उसको ए ग्रेड का माल चाहिए, छोटी कंपनी है बी ग्रेड का, सी ग्रेड का। किसान ग्रेडिंग नहीं करता। दूसरा, किसान के पास बड़ी तादाद में रेगुलर सप्लाई कंपनी को करने लायक नहीं होता। तो मैंने सोचा ये चारों चीज अगर हम किसान मिलके दे दें तो ये बीच में जो लुटेरों की जमात है जो केवल टेलीफोन के दम पे 4 गुना कमाती है मुझसे, इन्हें मैं कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता हूं, हटा नहीं सकता। और हर्बल का सेक्टर चूंकि छोटा था, बहुत सारे किसान नहीं थे, 2005 में मैंने ये सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन को ले आया। और 2003 से हम लोग, जैसे प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे, मैं विदेशों में जहाँ जहाँ जड़ी बूटियों की मंडी लगती है वहाँ गया। मैंने देखा कि यार वास्तव में अगर देखा जाए तो जो ग्लोबलाइजेशन है, इससे हम बेहद डरे हुए हैं, लेकिन हम रोक नहीं सकते। हमारे बच्चे नाइक के जूते पहन रहे हैं, अमेरिका के कपड़े पहन रहे हैं, हम नहीं रोक सकते, तो हम क्या करें। मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। मुझे दिखा कि सबसे बड़ा केक तो किसानों के हाथ में है, वो चीज़ हम उगाएं जो ग्लोबल मार्केट में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कॉस्मेटिक्स, दवाइयों के लिए लगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, सबसे ज़्यादा पैसा हथियार में है और हथियार के बाद सबसे ज़्यादा पैसा फार्मेसी में है, दवा उद्योग में है, जिसमें कभी मंदी नहीं आती और जिसका बजट सबसे ज़्यादा है। और ये जो दवाइयों का उद्योग है, बड़ी तेजी से हर्बल की ओर नहीं, बॉटेनिकल की ओर अग्रसर है, बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट पे। और कॉस्मेटिक से लेके क्रीम से लेके दवाइयों तक ये बहुत तेजी से बदल रहा है। कैप्सूल वही है, इंजेक्शन लगभग वही है, लेकिन अब बॉटेनिकल आ रहे हैं। मलेरिया की दवाई आप देखे होंगे, आर्टिमिशिन। पहले मलेरिया की दवाइयाँ खाते थे, लीवर खराब होता था, और अब एक पौधे से एक्सट्रैक्ट निकल रहा है। तो मैंने देखा कि मैं कोई भी फसल उगा लूँ, 50 रुपये किलो के बाद फसल का रेट दम तोड़ देता है। हम त्राही त्राही करते रहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाइए। मैंने कहा यार जहाँ पे 50 रुपये पे दम तोड़ता है, जड़ी बूटी और नेचुरल इंग्रेडिएंट में 100 रुपया किलो से रेट चालू होता है, हम उस बाजार में क्यों सेंध नहीं लगाते, क्यों हम एक सुविचारित रणनीति लेकर ग्लोबल मार्केट को ट्रेप करते। पेरिशेबल आइटम भी नहीं होता, जड़ी बूटियाँ 2 साल 4 साल रखो खराब नहीं होती। इन चीज़ों को देख के मुझे लगा भारत जो है इसके पास सबसे बड़ी संभावना है। मैं एक उदाहरण दूंगा चीन का। चीन इस बोटैनिकल में 1,20,000 करोड़ का हर साल निर्यात करता है और हमारा निर्यात लगभग 20,000 करोड़ है, लगभग 6 गुना कम। ये मैं प्लानिंग कमीशन के डाटा बता रहा हूं। और जरा सोचो, अगर जड़ी बूटियों की बात करें, बायोडायवर्सिटी की बात करें, तो 4,600 प्रकार की बायोडायवर्सिटी हमारे पास है, भारत के पास। क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो 16 क्लाइमेटिक जोन हमारे पास है, और चीन से तुलना करो, क्योंकि सबसे बड़ा वो है आपका प्रतिद्वंदी भी, चीन के पास 460 हैं बायोडायवर्सिटी जो मार्केटेबल, और हमारे पास 4,600 के आसपास है। चीन के पास 4 क्लाइमेटिक जोन है, हमारे पास 16 क्लाइमेटिक जोन है। कल्टिवेटेबल लैंड, खेती योग्य भूमि हमारे पास उनसे ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है, और हम कहाँ हैं। मुझे लगा इसको ट्रेप करना चाहिए,
ये वास्तव में गेम चेंजर इस देश के लिए हो सकता है। अब मैं शासन की नीतियों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं केवल ये बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं और इसी दिशा में हम आगे बढ़े। और यकीन मानिए, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कही जाती है कि छोटी खेत, छोटी जोत है हमारे पास, छोटे खेत हैं, 86% लोग 4 एकड़ से कम हैं हमारे किसान, और यही हमारी ताकत बन सकती है। ऑर्गेनिक खेती में अगर हम जाएं, हम ये कहते हैं कि साहब आपको जैसी जड़ी बूटी चाहिए, हाथ से तोड़ के, छाया में सुखा के, जो क्वालिटी बोलिए हम देंगे। लेकिन आप दुनिया में कहीं भी चेक करवा लीजिए, अभी मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, आप कहीं भी चेक कराइए, क्वालिटी जो चाहिए हम देंगे, दाम जो हम चाहते हैं वो आप दो। और यकीन मानिए, इस इक्वेशन में किसान जीत सकता है, जीत रहा है। मैं बताऊंगा कि जड़ी बूटियां जो हमारे देश में हैं, वो दुर्लभ जड़ी बूटियां वास्तव में खत्म हो रही हैं। एक इक्वेशन बताता हूं, 30,000 हर्बल कारखाने हैं मेरे देश में, सबको रॉ मटेरियल चाहिए, जड़ी बूटियां सबको चाहिए, 30,000। और जड़ी बूटियां आती कहां से हैं? जंगल से। जंगल 16% की दर से खत्म हो रहे हैं और हर्बल उत्पाद हमारे देश में लगभग 14% की दर से बढ़ रहे हैं। 14% की दर से तो मांग बढ़ रही है और जो सप्लाई करने वाले जंगल हैं बेचारे, वो सिकुड़ते जा रहे हैं, तो ये मांग कहां से पूरी होगी? ये किसानों के लिए अवसर मुझे दिखा। मैं अपना बताऊंगा कि जड़ी बूटियों की तरफ मेरी रुचि क्यों हुई। जब मैं बस्तर में ककनार में, जहां मैं पैदा हुआ पला बढ़ा, वहां कोई खेल ग्राउंड नहीं होता, जहां घर खत्म होते हैं वहां से जंगल चालू होता है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा वहां, और हम खेलने के लिए जंगल जाते थे। यूं तो पहले बता दूं कि शुरुआत में तो बस्तर में जहां मैं पैदा हुआ वहां पे मुझे लोग अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। मैं इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में था, जितने बाकी सारे लोग थे उनका रूप रंग बनावट मुझसे अलग थी, और मेरी लंबी नाक को लेके कहते थे कि भाई ये तो गणेश बनते बनते रह गया। और यकीन मानिए, मेरे अंदर जबरदस्त हीन भावना घर कर गई थी। मैं भगवान से बड़ा नाराज था कि मुझे इनके जैसा क्यों नहीं बनाया। तो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की कि उनसे हर चीज़ में बेहतर बनूँ। मैं तीर चलाना सीखा जीत करके, उनसे बेहतर निशाना सीखा, मैं सांप पकड़ना उनसे बेहतर पकड़ने लगा, पेड़ पे चढ़ना, हमारे यहाँ पानी में तैरना, मैंने धीरे धीरे साबित किया कि मैं उनसे बेहतर हूँ। तब मुझे वो अपने साथ खिलाने ले गए, और जब हम जंगल जाने लगे उनके साथ, दैट वाज काइंड लाइक एलिस इन वंडरलैंड। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जिंदगी में एक बार जंगल जरूर जाएं किसी जानकार के साथ, जो पेड़ों पौधों से बात कर सकता हो, जो पहचानता हो, अद्भुत होता है जंगल। एक पत्ता खा लीजिए, दिन भर आपको प्यास न लगे, एक पत्ता खा लो भूख न लगे, आरोग्य पाचा अभी उसको पेटेंट करवाया है गवर्नमेंट ने, एक पत्ता खा लो दिन भर मिठास का एहसास न हो, अद्भुत चीजें मिली मुझे। और ये विलुप्त तो हो रही हैं बड़ी तेजी से। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी कंपनी के 4-5 लोग पकड़ाए थे, जिन्होंने इन जड़ी बूटियों का दोहन कर रहे थे गुजरात के क्षेत्र में। करीब 32 वनौषधियां रेड डाटा बुक में है, खत्म हो रही हैं। ये कंपनियां, हर्बल कंपनियां जिस तरह से काम कर रही हैं, आने वाला वो दिन दूर नहीं जब ये जड़ी बूटी ढूंढे न मिलेगी। बहुत सारी तो विलुप्त हो चुकी हैं, और ये सारे वैज्ञानिक विश्व के मिलकर भी दोबारा एक जड़ी बूटी को नहीं बना सकते। मैंने इन जड़ी बूटियों को संरक्षित करने के लिए एक इथोनोमेटको फॉरेस्ट बनाया, नॉन कमर्शियल जोन, वहां बेचना ही नहीं हुआ कुछ। मैं चाहूंगा आप लोग आके देखें कि किस तरह से संरक्षित की जा रही हैं। और एक राजा राम त्रिपाठी के किए नहीं होगा ये हर जिले में इस तरह के मॉडल होने चाहिए। मैं यहां पे 2-3 चीजें ले आऊंगा कि मीडिया और खेती, आप में से सभी अगर पीछे अभी तो गमछा डाले हैं तो सभी मुझे किसान ही दिख रहे हैं, लेकिन 2 पीढ़ी या 1 पीढ़ी पीछे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आप सबके घर में खेती या तो हो रही थी या हो रही है। खेती से तो जुड़े हुए हैं ही, लेकिन
लाभ का समीकरण नहीं दिखता लोगों को। मैं आप लोगों को मुक्त कंठ से आमंत्रित करता हूं, बहुत दूर नहीं हूं मैं आप लोगों से, आप लोग आए देखें। एक एकड़ में मैं आपको 50 लाख की काली मिर्च लगी हुई दिखाऊंगा और इसका आकलन आप लोग करें, चल के जाएं, तोड़ें, नापें, तौलें, बाजार भाव लें और खुद उसे, मीडिया के लोग हैं आप, एक एकड़ में हम कमा सकते हैं, यकीन मानिए। अब काली मिर्च ही क्यों बोला मैंने, गौर करना, जिन चीजों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, अगर एक काली मिर्च भी ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड नहीं होती तो हमारे व्यापारी 50 रुपये से ऊपर इसका रेट जाने नहीं देते। अगर 500-700 रुपया बिक रहा है, क्योंकि ज्यूरिश बेंचमार्क से ये चीजें जुड़ी हुई है। तो मैं यही कहता हूं कि ग्लोबलाइजेशन में हमारी जो कोर एरिया है, बेस्ट क्वालिटी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, बेहतरीन प्राकृतिक उत्पाद, उसमें जाएं। और इसके लिए मीडिया से बेहतर और कोई साथी नहीं हो सकता। मैं बड़े दुख से कहूंगा कि खेती किसानी को मीडिया का कवरेज लगभग 3-4% ही मिलता है प्रिंट में, और इलेक्ट्रॉनिक में तो हम तभी खबर बनते हैं जब कोई सुसाइड हो या धरने में गोली चले, धरने बहुत होते हैं, मीडिया नहीं आती, अगर गोली चल गई तब एक बार हम बनते हैं। वास्तव में मुझे कहीं से नहीं लगता कि खेती किसानी को लेके हम गंभीर हैं, शायद हम तभी चेतेंगे जब हमारी थाली में हमें रोटी न दिखाई दे, लेकिन रोटी तो मिलेगी आपको, विदेशी ताक में है कि उनको एक्सपोर्ट मिले। अभी भी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, गेहूँ आपका ऑस्ट्रेलिया से आने वाला है, चीनी पाकिस्तान से आने वाली है, दाल को लेकर त्राही त्राही मची है, बीच में दो ज़्यादा नहीं 3 साल पहले की बात है, प्याज हम इम्पोर्ट किए हैं, लहसुन इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सब भरा हुआ है, बड़े झूठे आंकड़ों के पिरामिड पे बैठे हैं हम लोग, स्पेशली खेती में गहरी पड़ताल की जरूरत है, वो मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मैं खेती से ही फुर्सत नहीं मुझे, लेकिन ये आप लोगों के काम की चीज है, पड़ताल करिए। जो झूठा बबल ये 70 सालों से, मैं किसी सरकार को दोष नहीं दूंगा, पिछला डाटा पुराना था, उसी डाटा के ऊपर तह जमाते चले गए, कोई हिम्मत नहीं किया कि उस डाटा को करेक्ट करे, क्योंकि जो उत्पादन अगर मैंने 100 टन दिखाया है तो दूसरे साल 105 टन न दिखाएं, 90 दे दें तो इनको 100 का नोटिस चले जाएगा। तो झूठ के ऊपर झूठ एक पिरामिड हमने बनाया हुआ है और इसे दूर करें। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसान उतना उगाए जो खाने पीने के लिए हमारे देश के लिए पर्याप्त हो, बाकी हम नैनी के गोदाम पे या रेलवे स्टेशन में सड़ने के लिए क्यों गेहूं उगाएं, 17 रुपये वाली चीज हम क्यों उगाएं जब 170 रुपये वाली चीज उगा के हम बेच सकते हैं। भाई खेती मैंने जैसे शुरू में कहा आधे घंटे में नहीं सिखा सकता, लेकिन आप में जो जिनके घर परिवार में कोई भी खेती करना चाहता हो, मैं जो बोलता हूँ किसान वो करता हूँ, किसान हूँ मैं, उनको पूरी मदद करूँगा लगाने से लेके मार्केटिंग तक। और आप लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको भी मैं कहूँगा, अरे कुछ नहीं कर सकते तो स्टीविया के 2 पौधे लगा सकते हैं, अगर डायबिटीज के मरीज हैं घर में, 2 पत्ती आप चाय में डालें, आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगी, शक्कर की जरूरत नहीं। सदाबहार के 2 पेड़ लगा सकते हैं, 1 पत्ती डालें, आपको ब्लड प्रेशर के दवाई की कोई जरूरत नहीं। ये मैं कोई हैंकी जेंकी साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, विंकोरोजिया को अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कितने सारे मिले हुए हैं। गुड़मार की पत्ती जिसको लेके हमारी हंसी उड़ती थी कि भारत में विचित्र देश है भारत, डायबिटीज का मरीज गुड़मार खाता है क्योंकि उस पत्ती को खाए तो मुँह में मीठा का स्वाद नहीं आता है, तो बोले वो तो डायबिटीज का मरीज और ज़्यादा खाएगा, उसको मिठास का स्वाद का पता ही नहीं चलेगा, तो बोले इस तरह का साइंस इनका आयुर्वेद है। लेकिन जब उसी गुड़मार यानी जिम्निमा सिल्विस्ट्री जिसका बॉटेनिकल नेम है, जब जिम्निमा सिल्विस्ट्री यानी गुड़मार के ऊपर रिसर्च हुई और उसमें जिम्निमी के शीट पाया गया और 5-5 पेटेंट ले लिए, आज सब उसके पीछे भाग रहे हैं। इसे हम अपने घरों में लगा सकते हैं। मैं भड़ास मीडिया जैसे जो पोर्टल हैं इन लोगों से कहूँगा कि जुड़ें हम लोगों से, ये पौधे कैसे लोगों तक पहुँचें, जब आप खबरें पहुँचा सकते हैं तो आज संचार के युग में कोई बहुत कठिन नहीं है। मैं नहीं पहुँचा सकता, मैं बल्क मार्केटिंग, मुझे 22 साल लग गए
अपनी चीज़ को बल्क मार्केटिंग में करने के लिए पहुंचने में, लेकिन रिटेल मार्केटिंग बिल्कुल मेरे बस का नहीं है। मैं बाबा रामदेव से बेहतर मेरे सारे उत्पाद हैं, आप कहीं चेक करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। मैं बाबा ने जो किया मैं उस पे बड़ी श्रद्धा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाई बाबा रामदेव से अच्छा पेट घुमाने वाले मुंगेर में गली गली में बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन फिर इतना सफल हो क्यों हुए? ही वॉज द राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। ब्रांड बनाओ, जैसे भड़ास मीडिया आज एक ब्रांड बना, मैं ब्रांड नहीं बन पाया, मेरे प्रोडक्ट नहीं बन पाए। एक उदाहरण दूंगा, एक हर्बल चाय मैं बनाता हूँ, एक लाया हूँ उसे, मैं दूंगा यशवंत जी को, यशवंत जी सुन रहे हो तो जब उनको चाय पीने का मन हो तो उसे पिए, और चाय पीने का मन ना हो तब भी पिए, जब कुछ और पीते हैं तब भी पिए। दरअसल उस चाय में 12 बीमारी को दूर करने के गुण हैं, 12 वनौषधियां हैं हम लोग डाल के बनाते हैं। और मार्केटिंग की बात बताऊंगा, एक पैकेट में 100 कप चाय बनती है और उसका रेट मैंने रखा, केवल मार्केटिंग समझा रहा हूँ, 142 रुपये, यानी 1.40 रुपया में। दूध डालने की जरूरत नहीं, शक्कर डालने की जरूरत नहीं, मीठी रहेगी, डायबिटीज आदमी के लिए मीठी चाय और बिना शक्कर की, 0 कैलोरी, और साथ ही साथ हफ्ता से 15 दिन के अंदर आपका शुगर लेवल नॉर्मल कर देती है, सर्दी खांसी में तत्काल आराम है उसका। ये मत सोचिए मैं बेचने के लिए बोल रहा हूँ, मैं केवल उसके गुण बता रहा हूँ। और किसी को अगर ब्लड प्रेशर हो तो चाय पिए जीभ के नीचे गोली दबाने के बजाय 5 मिनट के अंदर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मली नॉर्मल हो जाता है। हार्ट में अगर किसी को प्रॉब्लम हो, 5-7 लाख रुपया डॉक्टर मांग लिया तो हम 1 महीने का ऑपरेशन का टाइप मांगते हैं। मैं बोलता हूँ कि साथ में एक चाय को ट्राई कर लो महीने भर, शायद ब्लॉकेज ऐसी खुल जाएगा। अब मैं मार्केटिंग का बता रहा हूँ, मैंने उसको लॉन्च किया, बेचना चाहा भारत में, 142 रुपये में मैं नहीं बेच पाया, यकीन मानिए। मैंने मीडिया का सहारा लिया, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, 1 महीने में 7-7 लाख का बिल आने लगा, मेरी हिम्मत टूट गई 4 महीने बाद। और लोग बोलते थे जब तक एड आता है तब तक बिकेगा, एड नहीं आएगा नहीं बिकेगा। अब मैं दूसरा सिक्के का, उसी चाय का दूसरा बता रहा हूँ, wonderbroom.com, आप लोग सब जानते हैं, देख लेंगे wonderbroom.com। ब्रूम मतलब झाड़ू, वंडर ब्रूम मतलब जादुई झाड़ू। इस चाय को wonderbroom.com पे डाला यूरोप की एक कंपनी ने, और वो 25 यूरो में दो, उसको सस्ता करके 10 यूरो में एक बेच रही है, कमीशन उमीशन घटा के 10 यूरो यानी 900 रुपये में एक चाय बिक रही है, और धड़ल्ले से बिक रही है यूरोप में मेरी चाय। मैं यहाँ 150 रुपये में नहीं बेच पाया। यहाँ दूसरी कंपनियाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनके हर 5-5 मिनट में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वो सफल होंगी। राजाराम त्रिपाठी का प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है, 22 सर्टिफिकेशन है वर्ल्ड में, जहाँ भी उसका टेस्ट का टेस्ट, उसके रिसर्च रिपोर्ट्स, क्लिनिकल टेस्ट, सारा कुछ है। हमारे यहाँ हेल्थ से जुड़ी चीज़ों की पब्लिसिटी अलाउड है, बाकी जगहों में अलाउड नहीं है। कई जगहों पे अगर हेल्थ से जुड़ी चीज़ें अगर वो फायदा कर रही है तो एडवर्टाइजमेंट की क्या ज़रूरत है, लोग खाएंगे ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मीडिया से कैसे जोड़ें, इसको एक मार्केटिंग सेटअप कैसे तैयार करें, आप में इसको आगे आए मेरा पूरा सहयोग रहेगा। एक चीज मैं यहाँ पे और जोड़ूंगा, अगर कोई एक, मैं मेरा निजी अनुभव है बताना चाहूँगा, हमारे देश में अगर सफल होना है तो कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जिन्हें दूर करना बड़ा कठिन है। जब मैं सफल हुआ 2003 में, छत्तीसगढ़ में मेरा सबसे बड़ा इनकम टैक्स का फाइल बना, एक बहुत बड़ी रकम की डिमांड आई कि भैया कमिश्नर साहब की लड़की की शादी है, इतना लाख रुपया तुमको देना है। मैंने कहा यार, मेरे शुभचिंतक सी आए, बोले महाराज दे दो। मैंने कहा ये तो हफ्ता बन जाएगा, एक बार दे दूंगा, खेती में हमेशा तो प्रॉफिट नहीं होता है, और एग्रीकल्चर इनकम है तो किस बात का दे दे। अरे बोले एग्रीकल्चर इनकम कौन मानता है इतना, कोई मानेगा ही नहीं। वो बोले कि आपका ये 20-22 करोड़ का एक्सपोजर है तो 22 करोड़ में टैक्स ही लग जाएगा, 10-12 करोड़ तो आप दे दीजिए, 50 लाख में क्या जाता है।
मुझे तय करना था कि मुझे क्या करना है। मैंने सोचा भले मैं ग्राउंड जीरो पे चले जाऊं, जहां साइकिल से मैंने शुरू किया था वहां चले जाऊं, लेकिन मैं ये पुल नहीं बनाऊंगा। मुझे 22 केस मेरे ऊपर डाले 2003 में, 2007 तक चला ट्रिब्यूनल में। मैंने दुनिया भर के पोथे रखे कि राष्ट्रपति जी मेरे फार्म में आके आए, देखे, गवर्नर आया, बैंक का लोन मैंने लिया, सारा प्रमाण 22 किलो का हुआ। कोई भी हर पेशी में कोई देखता ही नहीं था उस 22 किलो को, हर कोई पासान कर देता था। 7 साल चला, मेरे सारे खाते अटैच हो गए, मेरी जमीनें को अटैच कर दिया, नहीं तो शायद कोई और कहानी होती आज। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 सालों तक जो मुझे रगड़ा, अंत में वो 22 केस में मैं बरी हुआ, 1 रुपया फाइन नहीं हुआ। और मैंने उसके डाले किसमें, नेट पे डाला मैंने मुकदमे को। मुकदमे में एक लाइन लिखी गई कि जो अगर असेसमेंट लेवल पे ये अगर गलती होती तो माना जा सकता था, कमिश्नर लेवल पे ये किया गया है तो अगर SEC चाहे तो अलग से उनके खिलाफ केस कर सकता है। तो मैंने पेपर में डाला, मीडिया ने मुझे सपोर्ट दिया, मैंने किसान के पसीने के जीत ये सब छपने लगा। तो कमिश्नर साहब का फोन आया फिर एक बार कि चाय पे बुला रहे हैं आपको। मैंने कहा आज से 9 साल पहले भी मुझे चाय पे बुलाया गया था, CA ने बोला था। शुरुआत ऐसी हुई थी कि कमिश्नर साहब आपको चाय पे बुला रहे हैं, तो मैंने बड़ा खुश हुआ कि मैं बड़ा किसान हूँ, मुझे बुलाया है। तो मैं बोला तो बड़ी खुशी की बात है, चलिए मैं कल आ रहा हूँ। अरे बोले तो नहीं समझ रहे हो, चाय पे बुलाना मतलब ई वाला नहीं है, अरे उसको देना पड़ेगा। हम बोले कितना, बोले टेलीफोन पे नहीं, आइए हम बताते हैं। तो 9 साल मेरा गया, मैं IT से सारे जीता। अभी भी कोई नए आए हैं, 6 नोटिस फिर मुझे मिली है, 6 साल का वो कभी भी कर सकते हैं, प्रोब पे रखा हुआ है। हमने कहा जांच करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं खेती में सफल हुआ तो जितने मेरे पंप हैं सबको कमर्शियल घोषित कर दिया। अरे बोले बड़ा पैसा कमा रहे हैं, इंडस्ट्री के बराबर मुझे बिजली का चार्ज किया, मैं नहीं दिया तो पूरे बिजली काट दी गई, पूरा फसल चौपट हो गई। मैं केस लड़ा, जीता। प्लांटेशन का काम मैं करता रहा हूँ, मैंने एक बिड भर दी तो उसने कहा GPF का अकाउंट लाओ। मैं CA को बोल के GPF अकाउंट ले आया। आप यकीन मानिए जितना मैं 1-2 करोड़ मजदूरी बांटता था उसका 7 साल में करके उसने 1.5 करोड़ रुपया मेरे सिर पे डाल दिया कि आप PF दीजिए। मैंने कहा भाई मजदूर काम कर रहे हैं खेती में, वो हम कुछ नहीं जानते। आज तक मतलब किस तरह से निपट रहा है, मेरा एक भाई केवल इसी काम में लगा है। हम 7 भाई हैं, 7 खेती करते हैं एक साथ मिलकर। स्थिति यह है, मैं हर्बल का जो चाय बनाने का कारखाना डाला, 3 साल तक बिजली नहीं मिली। सारे पेपर मौजूद है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। बस्तर जैसी जगह में, कोंडा गांव में, जहाँ कोई रात नहीं रुकना चाहता, वहाँ एक शख्स कारखाना लगाना चाह रहा है और उस 3 साल तक उसे बिजली नहीं मिल रही। ट्रांसफार्मर का इतना पैसा दीजिए, इतना घूस दीजिए, दुकान लगी नहीं और लुटेरे पहले हाजिर है। ये सिनेरियो है। अगर कोई सीधे रास्ते चलना चाहे तो उसके लिए बेहद कठिन रास्ता है। धारा के विपरीत तैर के आगे बढ़ना सच में बड़ा कठिन है। मैं यहाँ बड़ास मीडिया को धन्यवाद दूंगा जो मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला। मीडिया का हाल बताऊं, रायपुर में आप सब पत्रकार हैं, किसी पूछना और राजा राम त्रिपाठी आया था यार ये बोल रहा था, अरे यार कहीं कुछ नहीं है। पूछा तुम कभी गए थे? यकीन मानिए रायपुर का मीडिया आज तक जाके मेरे फार्म पे नहीं गया कि खेती वहां पे हो रही। हाँ, अमेरिका से इंग्लैंड से आ गए हैं लोग, GPS पे मेरे फार्म हैं, विकिमेपिया पे आप देख सकते हैं मुझे, मेरे यहाँ एक पेड़ कटेगा तो इंटरनेट से देख सकते हैं, मेरे सारे फार्म पे मेरे मोबाइल पे है, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्बल फार्म सन 2000 में मैंने प्रमाणित करवाया, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं पता है। कभी कभार फ्लाइट में मिल जाते हैं, अरे वो तो राजा राम जो फ्लाइंग फार्मर है, क्या करें, मेरे मुझ में और सड़क के किनारे जो मेटाडोर लगा के पोंगा लगा के जो जड़ी बूटी बेचता है कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। फर्क इतना है मैं देश विदेश में घूम घूम के बेच रहा हूँ, न बेचूँ तो क्या करूँ, जो चीज़ उगा रहा हूँ बेचना ही तो कठिन है। किसान हमारा खेतों में कहाँ हारता है, वो बाजार में हारता है। और कोई अगर राजा राम की तरह से
सफल होता है तो जितने लुटेरे हैं इनकम टैक्स सेल टैक्स पीएफ जीपीएफ किस तरह से घात लगाते हैं वो अगर एक जगह पे आपको समझना है तो राजा राम त्रिपाठी खुली किताब है, आप कभी भी आके देख सकते हैं। स्वागत है आप सबका। मैं भड़ास के बारे में बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। मुझे कहीं से लगता था, मैं दिल से बता रहा हूं कि ये शख्स मेरी तरह है। ज्यादा हमारी आधे घंटे की मुलाकात है आज तक जीवन में यशवंत भाई से, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये शख्स मेरी तरह है। ऐसे लोग जीवन में जीवन मूल्यों पर विश्वास दिलाते हैं। जब मुझे सब तरफ से लगता है कि सब कोई लूटने में लगे हैं कैसे बढ़े, तो कहीं से अगर यशवंत भाई जैसे जो लोग हैं ये लोग जीवन पे जीवन मूल्यों पे विश्वास दिलाते हैं। भाई जिसको भी जड़ी बूटियों की जरूरत हो आप अपने भड़ास पे मेरा नाम पता सब डाल दें, सबको मिलेगा। आपके लिए हर्बल चाय लाया हूँ और आपसे चाहूँगा कि आज के बाद अब हर्बल चाय पे ही अपनी आस्था जताएं। और भड़ास का कारवा हमेशा चलेगा, कभी नहीं रुकेगा। बीच में एक दो बार इन्होंने कहा राजाराम भाई, इनका मैसेज आया, फोन कम आता है, बहुत कम आया है, राजाराम भाई भड़ास मुझे बंद करना पड़ेगा। मैसेज में पढ़ा मैंने, मैंने कहा कभी ऐसी स्थिति आए तो बताना, कुछ करूं? इन्होंने कहा नहीं, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं यहां खुले मंच से पूरी जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा, जब भी कभी ऐसी स्थिति आए ख्याल रखना हमारे ग्रुप की 770 एकड़ जमीन वहां पे है, एक एक एकड़ जमीन बिक जाए लेकिन भड़ास बंद नहीं होगा, ये प्रयास जारी रहना चाहिए। मैं जो कर रहा हूं अभी तक आप लोगों ने केवल बातें सुनी, कहने और सुनने में कान और आंख में 4 इंच का अंतर है लेकिन बड़ा अंतर है। तो पुष्पेश पंत जी आज से 13 साल पहले मेरे फार्म पे गए थे और उन्होंने और उनके बेटे ने एक शूटिंग करके ले आए थे और छोटा सा एक मुझे बना के वीडियो दिया था 13 साल पहले। और 13 साल बाद क्या हुआ होगा वो इसलिए मेरे पास दोनों वीडियो है लेकिन अभी का इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि उत्सुकता बनी रहे कि 13 साल पहले का ये खेत है तो आज कुछ तो होगा ताकि आप लोग आए वहाँ। तो मैं चाहूँगा कि वो पंत जी का वीडियो दिखाएं और उसके बाद जिन सर्टिफिकेशन की बात की मैंने वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक PPT लाया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट की चीज़ें हैं, मैं अनुमति चाहूँगा कि उसे देखें आप लोग। और मुझे पकड़ना या मुझसे मिलना बिल्कुल कठिन नहीं है, मैं बिल्कुल सहज उपलब्ध व्यक्ति हूँ, मुझे कोई मुगालता नहीं है अपने को लेके। फेसबुक पे आप ढूंढिए दाढ़ी वाले राजा राम एक ही हैं, आप कभी भी पकड़ सकते हैं ढूंढ सकते हैं। और आप लोग मीडिया से जो जुड़े लोग हैं मैं चाहूँगा इसकी मार्केटिंग से जुड़ें। एक आर्थिक आज़ादी बड़ी ज़रूरी होती है, मुझे ऐसा लगता है अगर हम एक सारे लोग मिल बैठ के एक मॉडल ऐसा बनाएं कि किसानों के जो शुद्ध उत्पाद हैं सो कॉल्ड ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक को लेके हमारे यहाँ गजब की घालमेल है। ऑर्गेनिक जैविक खेती, वैदिक खेती, अहिंसक खेती, कार्बनिक खेती, वैदिक खेती, गौ खेती, देशपांडे कृषि तंत्र, पालेकर खेती, मतलब अंधों का हाथी हो गया है जैविक खेती। और जैविक कहीं नहीं है, बड़ी दिक्कत है, जैविक सच में है ही नहीं, बड़ा हौच पौच मार्केट है। बड़े बड़े दावों पर यकीन मत करना। अभी कुछ दिनों पहले मैं ईरान गया था, 19 देशों का ऑर्गेनिक कंट्री का सम्मेलन था, हमारी स्थिति बहुत बुरी है। एक उदाहरण देके खत्म करूंगा, गुजरात से मूंगफली गई सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मूंगफली और पहुंचते ही जांच हुई रिजेक्ट कर दिया गया 3 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड हुए। 3 साल बाद बड़ी कोशिश की हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कि भाई हमने अपनी क्वालिटी अप्रूव बढ़िया बना ली है अब हम भेजेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ कॉमर्स मंत्रालय की जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका वर्षन बता रहा हूँ, एक भाषण में बताया, बोले 3 साल बाद दोबारा गुजरात से बड़ी चिरौरी करके हमने फिर मूंगफली एक्सपोर्ट किया और जैसे पहुंची दोबारा जांच किया गया फिर उसमें निकला जहर, फिर रिजेक्ट हो गया। तो क्वालिटी को लेके ये स्थिति है।
मेरा मानना है क्वालिटी अगर है तो ग्लोबल मार्केट में हम वास्तव में हम राज कर सकते हैं, वास्तव में संभावनाएं हैं। अब कैसे करेंगे ये हम लोग, मैं चाहूँगा इसके बाद भी विचार मंथन चालू रहे, कोई कोर ग्रुप बने, किसानों की चीज़ों को हम कैसे मार्केट दें, मीडिया का कैसे सहयोग मिले, और बेहतरीन चीज़ें, अच्छी चीज़ें, स्वास्थ्य के लिए हितकारी चीज़ें लोगों तक कैसे पहुँचे। मुझे नहीं लगता भड़ास, इतनी छोटी शुरुआत करके भड़ास अगर आज एक नेशनल ब्रांड बन चुका है तो ये किया जा सकता है। और इसके लिए मैं मनसा वाचा कर्मणा आप लोगों के साथ में हूँ। मुझे आप लोगों ने बुलाया, मुझे बोलने का ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा करिएगा। प्रणाम। अब मैं निवेदन करूँगा, पंत जी का वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद PPT। मैं फिर से ध्यान दिला दूं, ये 13 साल पहले का वीडियो है। ये जो आप देख रहे हैं केसकाल घाटी की पहाड़ियां हैं, बस्तर जो है प्लेट मतलब प्लेटू है, पठार है जो 2700 फीट ऊंचाई पर है, साउंड, और लगभग 330 किलोमीटर लंबा और 230 किलोमीटर चौड़ा। जब आप बस्तर जाते हैं तो पहले एक घाटी पड़ती है केसकाल घाटी, उसके बाद आप ऊपर चढ़ते हैं। आप में से कई लोग बस्तर गए भी होंगे। ये घाटी बेहद खूबसूरत है और जितनी खूबसूरत है उससे ज़्यादा इसमें दुर्लभ वनौषधियाँ हैं। ये रॉट आयरन आर्ट है बस्तर का, जो कि विदेशों में भी बड़ा प्रचलित है। साउंड भैया थोड़ा साउंड कोशिश करिएगा। मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हो रही, मेरे साथ प्रायः ऐसा होता है कि मतलब कभी साउंड नहीं आता तो कभी वीडियो नहीं चलता है, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा लगता है मुझे। ये हमारे यहाँ बस्तर में देवी हैं, मावली देवी, आप लोगों में से बस्तर कितने लोग गए हैं? बहुत धीरे से पीछे उठा रहे हैं, मतलब आधी दूरी तक गए हैं। 4 लोग गए हैं। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये बस्तर जो राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 10 किलोमीटर तक है वो तो काफ़ी हद तक हमने बदल दिया है, बाकी जो बस्तर है बेहद खूबसूरत है। आप बस्तर को मेरे नज़र से कभी आएँ तो मैं दिखाऊं, क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में पला बढ़ा। मैं बस्तर के बारे में एक घटना बताऊंगा कि लंदन के मेयर से मैं मिलने गया एक बार, और मैं 15-20 मिनट लेट हो गया, तो उसने कहा कि आप मेरे गाँव में आके मिलिए, 70 किलोमीटर दूर मैं रहता हूँ। तो दूसरे दिन मैं चूंकि 20 मिनट लेट गया था तो जल्दी चले गया, 10 मिनट 15 मिनट, और जब वहाँ पहुँचा तो वो लोग अपने छोटे से एरिया में, जितने बड़े एरिया में छोटा सा घर था उनका,
उसके सामने में साग सब्जी वगैरह लगा रहे थे। उन्होंने कहा सॉरी, हम आपको वेलकम करने वाले नहीं हैं। और उन्होंने हाफ पेंट पहन के दोनों पति पत्नी सब्जियां उगा रहे थे। फिर अंदर ले गए, बैठने की व्यवस्था उन्होंने जमीन पर रखी हुई थी। और उन्होंने कहा, छोटा सा कॉटेज था, झोपड़ी नुमा बनाया हुआ था उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या लेंगे, चाय लेंगे या हमारे घर की बनी हुई बियर? तो मैंने कहा कि बियर लूँ या ना लूँ, लेकिन आप घर में बियर कैसे बनाते हैं उसको देखने की बड़ी इच्छा है। तो उन्होंने स्टोर रूम में ले गया और जैसे मेरे बस्तर में बियर बनती है लगभग उसी तरह से चावल की बियर या जौ की बना रहे थे। फिर दोपहर के खाने में उन्होंने उबली हुई सब्जियां उब्जियां मुझे दिया, खाया, उनका पूरा घर दिखाया। लौटते टाइम मैं यही सोच रहा था, इस जिंदगी के लिए बस्तर का अपना जो लंदन का जो मेयर है, 15 मिनट मेरा इंतजार नहीं करता और लंदन छोड़ के भाग के आता है, हर वीकेंड पे 2 दिन इस झोपड़ी में रहता है और जो जिंदगी जीता है सब्जी उगा रहा है, हाथ के चावल की शराब बना के पी रहा है, जमीन पे सो रहा है, हाफ पेंट पहन रहा है। मैंने कहा ये जिंदगी तो मेरे बस्तर का हर आदिवासी रोज जीता है, ऐसे ही घर में रहता है, ऐसे ही बनाता खाता है। और उसको हफ्ते के 7ों दिन हासिल है। हम लोग उनके पीछे जो डेवलपमेंट का इंजेक्शन लेके घूम रहे हैं, वास्तव में जिस संतोष और सुख की जिंदगी में है उसे हमने जबरदस्त तरीके से नष्ट किया है, माइनिंग के जरिए, खदानों के जरिए। मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैंने देखा है जब वहाँ बैलाडीला के नीचे की नदियाँ हैं, वहाँ हम लोग नहाते थे, पानी भी पीते थे। आज वहाँ पे आयरन ओर के कारण पूरा लाल हो गए हैं झरने। मेरी एक कविता भी है बस्तर के ऊपर कि अगर सुनना चाहें तो जब तक यार मैं सुनाऊं, इसलिए क्योंकि 2 मिनट की ही कविता है इसलिए सुना सकता हूं। मैंने केवल जिंदगी में 27 कविताएं लिखी हैं अभी तक, और जाने कैसे लोग इतना कुछ लिख जाते हैं। मेरी कविता है उसी की, मैं बस्तर बोल रहा हूँ। ये हिंदी अंग्रेजी मराठी में बनी है। हाँ मैं बस्तर बोल रहा हूँ, प्रवीर का प्यारा। प्रवीर वहाँ के राजा हुए जिसको गोली मार दी गई थी, जो आदिवासी उन्हें बहुत प्यार करते थे। हाँ मैं बस्तर बोल रहा हूँ, प्रवीर का प्यारा, माँ दंतेश्वरी का दुलारा। हाँ मैं बस्तर बोल रहा हूँ, अपने जलते जख्मों की कुछ परतें खोल रहा हूँ। हाँ मैं बस्तर बोल रहा हूँ, हमने हमेशा ही दिया है, हमने हमेशा ही दिया है, सबने हमसे सिर्फ लिया है। आज 3 के सांपों के दंश बराबर झेल रहा हूँ। हाँ मैं बस्तर बोल रहा हूँ, लोहा लकड़ी महुआ मेवा, लांदा सल्फी घोटुल सेवा, सब कुछ बिन मांगे देता हूँ, सब कुछ बिन मांगे देता हूँ, नहीं किसी से कुछ लेता हूँ। जल जंगल जमीन के बदले मुफ्त का चावल तौल रहा हूं। हां मैं बस्तर बोल रहा हूं, नेता अफसर सेठ साहूकार, पुलिस सिपाही और जमींदार, एक थैली के चट्टे बट्टे इनकी पोल कुछ खोल रहा हूं। हां मैं बस्तर बोल रहा हूं, खेती बंजर गांव उजाड़, खेती बंजर गांव उजाड़, घोटुल सूने बंद ककसाड़, तपते टीन की छतों के नीचे सलवा जुड़ुम में डोल रहा हूं। हां मैं बस्तर बोल रहा हूं, बारूदों से भरी हैं सड़कें, बारूदों से भरी हैं सड़कें, हरियाली लाली में बदली, खारे हो चले सारे झरने, फिर भी एक मिश्री की डली इसमें हर पल घोल रहा हूं। हां मैं बस्तर बोल रहा हूं। जब वाकई मीडिया में किसानों का विमर्श कहीं नहीं है, तब भड़ास का कार्यक्रम किसानों और खेती के विमर्श से शुरू होता है। इससे कार्यक्रम में वाकई 4 चांद लग गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और हमें एहसास कराया कि दरअसल हमारे विमर्श में जो किसान कहीं नहीं है वो कहाँ होना चाहिए। खबर बनाते पत्रकार खुद भी खबर नहीं होते, उनका संघर्ष, उनकी हार, उनकी जीत, उनका प्रमोशन, उनका डिमोशन खबर नहीं होता।
ऐसे दौर में 10 साल तक भड़ास ने खबरनवीसों की खबर रखी, ये खुद में बड़ी खबर है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यशवंत जी के लिए, जिन्होंने हमें आज मौका दिया कि हम मिलजुल कर ये जश्न मनाएं भड़ास के 10 साल पूरे होने का।